अपनी सुंदरता को और निखारने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज के दौर में हमारी व्यस्त जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों के कारण बहुत से लोग पेट से संबंधित किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं, जैसे कि पेट में गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द और जलन का होना। इन सब के अतिरिक्त एक और परेशानी है जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं, वो है पेट ठीक ना होना, मींस पेट ठीक से साफ ना होना, जो कब्ज का रोग है। कुछ लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए पेट साफ करने की दवा लेते हैं या किसी चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, पर पुरानी कब्ज के उपचार के लिए दवाइयों के साथ साथ कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर को होने वाले ज्यादातर रोगों की शुरुआत पेट से संबंधित है और अगर पेट खराब रहेगा तो दूसरे रोग होने की भी संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए जरूरी है कि समय रहते ही पेट साफ होने के कुछ ऐसे उपाय किए जाएं। 1 चम्मच शहद हल्के गर्म पानी में मिलाकर रात को सोने से थोड़ी देर पहले पीने से अगली सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा नमक 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ करने के लिए इस रेमेडी को आप सुबह खाली पेट करें। रात को अलसी के बीज 1 गिलास हल्के गर्म दूध के साथ सेवन करने से पेट साफ होने में काफी मदद मिलती है। पेट साफ रखने के लिए शरीर में अच्छे बैक्टीरिया का होना जरूरी है, इसीलिए दिन में 1 से 2 कप दही अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर आपको पुरानी कब्ज है तो इसके लिए आप रात को सोने से पहले 25 ग्राम सौंफ पानी में भिगो दें और सुबह इस सौंफ पानी दोनों को साथ में उबाल लें। उबलने के बाद सौंफ को पानी में अच्छे से मसल लें और पानी छान लें। अब इस पानी में थोड़ी सी लाल फिटकरी डालकर सुबह खाली पेट इसे पिएं। अगर आप ऐसा 1 महीने तक डेली करते हैं तो इससे आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज सही हो जाएगी और आपका पेट भी साफ हो जाएगा। पेट साफ रखने के लिए आप नियमित रूप से योगा भी करें, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।